क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेन सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लिविंग वर्ल्ड में। आज फिर से रिकॉर्डिंग का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मैं अपने रूम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जैसे आपको पता होगा कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद मुझे जो हॉस्पिटलाइज होना रहना पड़ा 4-5 दिन, उसके बाद अभी मैं घर आया हूं तो मैं होम क्वारंटाइन में हूं, तो मेरे को घर का भी स्टूडियो एक्सेस करने नहीं मिल रहा है। मेरे घर में भी मैंने एक स्टूडियो बना रखा था जो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों को वायरस ना लग जाए, हाईली कॉन्टाजियस है, इसलिए जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपने कमरे जब से हॉस्पिटल से आया हूं, अपने एक मेरा कमरा है अटैच लेट बाथ है, बस उसी में मैं बस हूं, बाहर जो है कमरे से बाहर भी नहीं निकला मैं। बच्चों की सुरक्षा का, मेरी मदर साथ रहती है, वाइफ रहती है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। भारतीय को कुछ सिम्टम थे हालांकि, लेकिन वो टेस्ट आया तो नेगेटिव आया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो अभी हम लोग फैमिली जो है वो उसमें केवल मैं ही एकमात्र हूँ पॉजिटिव हूँ, और अभी मैं इन्फेक्टेड स्टेज में, इस समय मेरी स्टेज ऐसी कि मैं इन्फेक्शन को फैला सकता हूँ, इसलिए मुझे जो है वो टिल संडे तक जो है डॉक्टर ने कहा जब तक नेगेटिव आपका RT-PCR ना आ जाए आपको कमरे के अंदर ही रहना है। लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि दिस शो मस्ट गो ऑन। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जज्बा, ठीक है। बड़ी बड़ी चुनौतियां हार जाती हैं आपके हौसले के सामने, और वो हौसला आपका रहना चाहिए हमेशा के, चाहे जो परिस्थिति हो, दिस शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। चलिए, तो लिविंग वर्ल्ड में आज मैं उतना लंबा लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, बट क्योंकि मेरे को पता नहीं, जब से मैं हॉस्पिटल से घर आया हूँ मेरे को ज्यादा एग्जर्शन हो गया है, थकान काफी ज्यादा रहने लगा है मुझे, और दवाई भी काफी सारी अभी भी चल रही है, अभी 15 दिन दवाएं और चलती रहेंगी। वो मैं कभी आपको बताऊंगा कि जो है देर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशन हो गए थे मेरे को कोविड में, जिसके चलते लंबा ट्रीटमेंट चला, कई सारे इंजेक्शन भी लगे हैं। लेकिन चलिए वो तो मेरी कहानी है, कहानी असली ये है कि हमें लिविंग वर्ल्ड में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में हम लेक्चर नंबर 7 में आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये जो रिकॉर्डिंग है ये बेसिकली जूम से रिकॉर्डिंग है, तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जो नॉर्मल कैमरे की होती है, क्योंकि आपका जो हम जो मैकबुक यूज करते हैं उसी का कैमरा है, उसी का ऑडियो है, तो क्वालिटी को लेकर क्वालिटी को लेकर वीडियो क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी बेटा असुविधा होगी, थोड़ा आवाज ही मेरा उतना अच्छा नहीं आएगा, तो मुझे उसके लिए माफ कर देना, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पढ़ाई करना है ना, ठीक है। क्योंकि हमारा आपका एग्जाम टाइम पे होगा ना, मेरी क्या परिस्थिति उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमको सबको मतलब मुझे AIR-1 चाहिए। मैं इस परिस्थिति में आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे AIR-1 चाहिए बेटा, समझ गए, उसके लिए मेहनत करना। चलिए तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको कि हमें क्या पढ़ना आज हमको। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम आ गए स्क्रीन पे हमारी। तो आज बेटा हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 देखेंगे हम। मैं हट जाऊँ जब आपको लगेगा स्क्रीन में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो मैं डालूंगा अपने आप को, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे से आप। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, तो पिछली क्लास में हमने देखा था बेटा, हम पिछली क्लास की बात करें यहाँ पर, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, के सारे के सारे प्रोक्रियोटिक को हम किंगडम मोनेरा के अंदर रखते हैं बेटा, हम सारे के सारे यूनिसेल्ड यूकेरियोटिक को हम जो है प्रोटिस्टा में रखते हैं हम, ठीक है। सारे के सारे यूकेरियोटिक मल्टीसेल्ड ऑटोट्रॉफिक को हम प्लांटी में रखते हैं, सारे के सारे जो है वो मल्टीसेल्ड यूकेरियोटिक और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले को हम फंजाई में रखते हैं, और सारे के सारे मल्टीसेल्ड यूकेरियोटिक एंड इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेकर डाइजेस्ट करते हैं उनको एनिमेलिया में रखते हैं। के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। ये बेसिक्स हैं। अब बोलोगे सर आपने अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ाया, अरे भाई इसके पहले हमने 9, 10, 11, 12 कुछ तो पढ़ाया ना हमने, ठीक है। तो वो ये बेसिक्स है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। चलिए अब NCERT में हमने ये भी देखा था बेटा कि हमने की हायरकी की बात किया था, हमने कहा था कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें अलग अलग रैंक होती है, ठीक है। सबसे जो रियल एग्जिस्टेंस जिसका रियल एग्जिस्टेंस है वो होती है स्पीसीज होती है, वो होती है प्रजाति, ठीक है। स्पीसीज के ऊपर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिविजन। तो मैंने कहा था डिविजन वर्ड हम प्लांट के लिए यूज करते हैं और फाइलम वर्ड हम एनिमल के लिए हम
इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो किंगडम है, देयर आर सेवन कैटेगरी। सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम है, सबसे छोटी कैटेगरी जो है वो स्पीसीज होती है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कई बार भी आपको मालूम ना चले कि आप क्या क्लासिफाई कर रहे हैं, कि आपने एक किंगडम देखा है, आपने एक जो है वो फाइलम देखा है, तो एक बड़ा कॉमन वर्ड हमने कहा था जैसे टैक्सॉन। टैक्सॉन इज दी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक। किसी भी रैंक के टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, हम टैक्सॉन कह सकते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा उसके लिए, टैक्सॉन वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी प्लेयर के लिए हम जो है वो प्लेयर्स बोल सकते हैं, कि क्रिकेट खेलता है प्लेयर है, हॉकी खेलता है प्लेयर, तो प्लेयर इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है ना। तो वैसे ही हमने आपसे कहा कि टैक्सॉन इज अ कॉमन वर्ड जिसका टैक्सोनॉमी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने पिछली क्लास में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात की थी और कहा था दो प्रजातियों के बीच में जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, ये भी समझा हमने, मेयर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मेयर की डेफिनेशन को भी हमने अच्छे से समझा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था बेटा कि एलोपेट्रिक स्पीसीज क्या होती है, पेरीपेट्रिक क्या होती है, पैरापेट्रिक क्या होती है, सिंपेट्रिक क्या होती है, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली आए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो तैयार रहिए बेटा, जो 10% क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं वो इस पोर्शन से आते हैं क्वेश्चन, वो ठीक है ना, एकदम अटेंटिव रहना है, क्योंकि हमारे पास बाद में ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई हमने क्यों नहीं पढ़ा, अरे सर हम तो केवल एनसीईआरटी पढ़ते रह गए थे, पता नहीं कहां से पूछ लिया। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम हो गया मतलब हो गया, इसलिए हमको अपने आपको सेफ्टी नेट लेके तैयार करना है अपने आपको, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो छत पे से कोई आदमी कूदता है और मान लो उस आदमी के आदमी जो है वो उसको पकड़, 6 फीट की जगह पे आदमी सो सकता है आराम से 3 फीट चाहे, तो हम 6 फीट का चादर लेके थोड़ा नीचे खड़े रहेंगे, आदमी कूदेगा तो उसको उतना ही चादर लगा देंगे, बड़ा हमको एरिया रखना पड़ेगा ताकि हम उसको कैच कर सके आदमी को, है ना, ठीक है। समझ लो ऐसे एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन फेंकता है एग्जामिनर, तो बड़ा नेट रखना पड़ता है हमको। तो एलोपेट्रिक क्या होता है, पेरीपेट्रिक क्या होता है, पैरापेट्रिक क्या होता है, सिंपेट्रिक क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, हम आज बात करेंगे बेटा कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने 7 कैटेगरी की बात की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीनस के ऊपर, हम बात जीनस क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा था कि स्पीसीज जो रियल ऑर्गेनिज्म है वो प्रजाति में स्पीसीज में शामिल होता है, उसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, सिमिलर है ना, हम कहते हैं जीनस का मतलब क्या है, इट कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता मेरे पास है मार्कर, शायद मुझे हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, हाँ ठीक है मेरे पास है हाईलाइटर के, हाईलाइटर के बजाय काम करते हैं हम ये यूज करते हैं, मैं मतलब बहुत कम इस तरह की रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसलिए मुझे लेजर पॉइंटर यूज कर ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, ठीक है। तो जीनस का मतलब क्या है बेटा, जीनस का मतलब है ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो रिलेटेड होती है। देखो बेटा, दो स्पीसीज आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, वो उनकी रिप्रोडक्टिव बाउंड्री होती है। जब एक जीनस कैसे बनता है, जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो कई सारे कैरेक्टर शेयर करती है, उनसे उनके जुड़ने पर एक ग्रुप बनता है, उसे हम क्या होता है, हम जीनस कहते हैं। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस दो, देखिए दो डिफरेंट जीनस हैं, दो डिफरेंट जीनस में जो स्पीसीज पाई जाएंगी ना उनके बीच में काफी अंतर होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा पार्डस हो गया एक अपना, या मैं आपसे बोलूं कि मैंने कहा पैंथेरा, पैंथेरा हो गया या होमो हो गया, ठीक है। जीनस जो है, जीनस जो होता है उसमें जितनी, यानी दो जीनस ए और जीनस बी, दो जीनस है, तो जीनस जो होगा बेटा उसमें यदि हम देखें तो दो डिफरेंट जीनस की जो स्पीसीज होंगी उनमें काफी अंतर देखने मिलेंगे, लेकिन एक ही जीनस के अंदर जितनी स्पीसीज पाई जाएंगी उनमें काफी सिमिलरिटी देखने मिलेगी आपको, ठीक है। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में इसको, उन्होंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज ही एग्जाम में जो है कई बार पूछी आती है, टटके इसकी लैंग्वेज को ध्यान समझने की कोशिश करते हैं इसको हम, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जीनस में निकट संबंधित प्रजातियों का एक समूह होता है, जो विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, के दूसरे जीनस की स्पीसीज की तुलना में वो स्पीसीज जो एक जीनस के अंदर प्रेजेंट है मोर कॉमन कैरेक्टर को वो शेयर करती है, क्लियर, ठीक है, है ना। मतलब एक जीनस के अंदर जो स्पीसीज होंगी वो मोर कॉमन कैरेक्टर शेयर करेंगी बजाय दूसरे जीनस की स्पीसीज की तुलना में, ठीक है। चलिए, जीनस आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जीनस जो होते हैं वो निकट संबंधित प्रजातियों के समूह होते हैं, क्लियर, ठीक है। मैंने आपसे कहा जैसे अब हम बात करते हैं कैट फैमिली की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जो टाइगर है, हम बोलते हैं कि बिल्ली जो है वो शेर की मौसी होती है, मम्मी बताती है बचपन में के लोग बोलते हैं ना, तो एक्चुअली में जो कई सारे जैसे कॉर्निवोर्स है, एक बड़ा ग्रुप है वोट के, तो हम बात करते हैं कि वो बड़ा एक ऑर्डर की बात करें, हम भी हम क्या बात करें, हम जीनस की बात करें, तो जीनस में जो है वो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी वो, ठीक है,
है ना, ये किस मूवी का सीन है बताइए सोच के, क्या के लॉयन किंग, ठीक है ना, है ना, ठीक है, जंगल का राजा शेर, और जो है डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट है, और आपको तो एक एरिए में जो जो एक एरिया होता है जहां पे जो हैबिटेट होता है वहां पे जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सब मिलके एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बनाते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी जीविक समुदाय को वो बनाते हैं वहां पे वो, ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इस पे हम अभी। देखिए अब देखिए आप, तीन मेंबर हैं, एक ही जीनस को बिलोंग करने वाली तीन डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, एक तब आप लॉयन देख रहे हैं, फिर आप एक तेंदुआ देख रहे हैं, देख रहे हैं आपके, और एक एक आप तब तेंदुआ चीता बोल सकते हैं, चीता देख रहे हैं आपके, और एक आप देख रहे हैं टाइगर देख रहे हैं आपके, लॉयन टाइगर एंड दी जो है चीता आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तीनों के तीनों जो है तीनों डिफरेंट तीन डिफरेंट स्पीसीज है लेकिन एक ही जीनस में आते हैं, एक ही जीनस के अंदर ही आते हैं, ठीक है, लॉयन ल्यूपर्ड एंड टाइगर के तीनों जो है वो एक ही जीनस के अंदर आते हैं बेटा, तीनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल एनसीआरटी का एग्जांपल जो हमने देखा ना, ये इमेज देखा हमने, ये एनसीआरटी के एग्जांपल पर ही इमेज है, एनसीआरटी बता लॉयन क्या है, पैंथेरा लियो, अब पैंथेरा क्या है इसमें जीनस है, लियो क्या है उसकी स्पीसीज है, ठीक है, ल्यूपर्ड क्या है पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा क्या है उसका जीनस है, स्पीसीज क्या है पार्डस है, टाइगर क्या है, टाइगर है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा क्या है उसका जीनस है और टिग्रिस क्या है उसकी स्पीसीज है बेटा, है ना, ठीक है, अच्छा मतलब मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ऐसा बोर तो नहीं लग रहा ना, मैं तो बहुत बोर हो गया कमरे में, मैंने कहा अब तो पढ़ाऊंगा यार, अब कितना कितना चुप रहूंगा, कितना टीवी देखूंगा यार, टीवी देखा, अच्छा आपके लिए काम करूंगा ना, तो देखिए तो लॉयन ल्यूपर्ड एंड टाइगर, लॉयन ल्यूपर्ड एंड टाइगर तीनों के तीनों जो है उनका जीनस एक है, इसलिए बहुत सारे करेक्टर इनमें कॉमन देखने मिलते हैं हमको, ठीक है, तो पैंथेरा लियो लॉयन, पैंथेरा पार्डस ल्यूपर्ड, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के विद सेवरल कॉमन फीचर्स, ऑल आर जीनस स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, अब आते हैं फैमिली पे, ठीक है, आपको पता है ना कि सबसे बड़ा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है ना, तो अभी जीनस के बाद क्या सिमिलर टाइप के जीनस के मिलने पे क्या, जब सिमिलर प्रकार के जीनस बेटा जब जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा क्या, तब बनेगा जो है आपका एक फैमिली बनेगा, तब एक फैमिली बनेगा, ठीक है ना, तो हमने क्या कहा था अभी जो है वो एक फैमिली बनेगा, है ना, ठीक है, चलिए हाँ तब एक फैमिली बनेगा, है ना, ठीक है, मैं अपने आपको नीचे कर लेता थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको दिखाई पड़ूं मैं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर बैकग्राउंड में क्या बात चल रही है, ठीक है बता रही है, ठीक है, तो द नेक्स्ट कैटेगरी द फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, फैमिली में क्या होता है बेटा, फैमिली में सिमिलर, जैसे कि हमने कहा सिमिलर टाइप की स्पीसीज के मिलने पर एक जीनस बना, ऐसी सिमिलर प्रकार के जीनस के मिलने पर एक क्या बनेगी, फैमिली बनेगी, ठीक है, लेकिन बात इतनी सी है कि यहाँ पर चूंकि डाइवर्सिटी इतनी, जैसे स्पीसीज है बेसिक यूनिट तो स्पीसीज है, सिमिलर टाइप की स्पीसीज एक जीनस में थी, दूसरे जीनस से वो वेरी कर रही थी वो, ठीक है, फिर ऐसी जीनस के मिलने पर एक फैमिली बन गया, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, वैसे वैसे आपको जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो कम होती चली जाएंगी, वो मतलब क्या हो जाएंगी कम, ऐसे मैंने कहा ना कि मोर स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है एक प्रजाति की, जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो आपको कम मिलना कम हो जाएंगी वो, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप एक लेवल पे आप बोलेंगे, जैसे हमने जंगल में कई सारे एनिमल्स देखे हमने, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि अच्छा ये मनुष्य है और ये जो है वो एलिफेंट है और ये टाइगर है, ऐसे बोल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन जब हम मनुष्यों की केवल बात करें, टाइगर की केवल बात, हम बोलेंगे टाइगर में हमने कहा कि भाई ये टाइगर है, ये तेंदुआ है, ये लायन है, फिर हमने कहा टाइगर में भी ये सब स्पीसीज पड़े हैं, ये साइबेरियन टाइगर है, ये वो वाला टाइगर है, तो जैसे जैसे हम एक और समझ लीजिए कि आप और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो सूचनाएं और कॉमन होती चली जाती है, तो जैसे जैसे आप जो है वो स्पीसीज से जीनस में बढ़े, जीनस से आप फैमिली में बढ़े, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होती चली जाएंगी, ठीक है, क्या लिखा देखें इसमें, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली में जो है वो समान प्रकार के जीनस प्रेजेंट होंगे विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस स्पीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, के मतलब यहाँ पर जो सिमिलरिटीज होंगी वो जीनस और स्पीसीज की तुलना में कम होंगी यहाँ पे, ठीक है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज, अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एमसीक्यू बनकर एग्जाम में आ सकता है, आजकल एनटीए वगैरह ऐसे पॉइंट उठा के क्वेश्चन आया था, ठीक है,
तो मतलब ये जब आप प्लांट स्पीसीज की बात करते हैं तो प्लांट स्पीसीज में जो फैमिली होती है, फैमिली को डिसाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है उसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर। के रिप्रोडक्टिव फीचर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे, मोर कंजर्वेटिव फीचर में से एक होते हैं वो, ठीक है ना। तो मतलब जो लंबे समय से मेंटेन रहते हैं वो, तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेस ऑफ द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो फैमिली को जब आप प्लांट स्पीसीज को आप फैमिलीज में रखते हैं ना, तो आप उनको रिप्रोडक्टिव फीचर्स और वेजिटेटिव फीचर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए आप जैसे हम देखें यहाँ पे, मैं अपने आप को छोटा करता हूं, है ना, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, फ्रूट्स इंक्लूडिंग सोलेनेसी, टोमेटिला, एग प्लांट, बेल पेपर, चिली पेपर, ऑल ऑफ विच क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ फैमिली। ये जो आपको बॉक्स के अंदर तमाम तरह की सब्जियां दिखाई पड़ रही है ना, आपको वेजिटेबल दिखाई पड़ रही है, आपको पता है ये सब की सब सोलेनेसी फैमिली की मेंबर है, सब की सब जो है वो सोलेनेसी फैमिली की मेंबर है। उसमें टमाटर शामिल है, ठीक है, टोमेटिला छोटा टाइप का टमाटर होता है, यूरोपियन टमाटर वो है, एग प्लांट है उसके अंदर, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, बैगन की बात कर रहा हूं मैं, देखा ना ये आपको व्हाइट व्हाइट, ये बैगन है ये वाला, ठीक है ना, ठीक है। ये यूरोपियन बॉक्स सब्जी का ना, एक्सोटिक वेजिटेबल, बड़ी महंगी बॉम्बे में भी मिलती है हालांकि, वेल पेपर है, चिली पेपर है, और तो ये सब के सब क्या है, ये देखो आप कितना वेरिएशन है इसमें, आप देख रहे हो अलग 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 तरह के टमाटर दिखाई पड़ रहा है आपको, आपको बैगन दिखाई पड़ रहा है आपको, टोमेटिला, शिमला मिर्ची के तमाम दिखाई, तो ये सब नॉर्मल कैप्सिकम, ये सब के सब जो है फैमिली सोलेनेसी के मेंबर है इनके। क्लियर, तो फैमिली, तो इसमें आप देखो सिमिलरिटी, आपको बहुत कम सिमिलरिटी देखने मिल रही है आपको कंपेयर टू, ठीक है। अब देखिए आप कैट, अब हम बिल्लियों का संसार में चले जाते हैं, ठीक है, हम बिल्लियों कैट, कैट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखें। आप देखिए आप इतने प्रकार के हैं, हालांकि ये स्लाइड इज नॉट वेरी क्लियर, इट इज वेरी बिजी स्लाइड, ठीक है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कई तरह की बिल्लियां होती, कई तरह की कैट फैमिली मेंबर होते हैं, उनमें ये भी क्या रिप्रेजेंट, ये भी एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े सारे जीनस के अंदर इसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है ना। जैसे देखिए आप, है ना, मैंने कहा फैमिली क्या है, कैट फैमिली क्या है, फेलिडी, फैमिली क्या है, फेलिडी इज दी फैमिली, के सब फैमिली क्या है, पैंथेरी, सब फैमिली क्या है, फेलिनी। पैंथेरी में क्या है, दो जीनस इसके अंदर प्रेजेंट, बिग कैट, सेवन बड़ी बड़ी बिल्लियां, टाइगर, लॉयन, सब इसके अंदर, के छोटी बिल्लियां किसमें आती, छोटी बिल्लियां जो है वो फेलिनी में आती, नॉन पैंथेरी में आती है, 12 जनरा इसके अंदर है, 31 स्पीसीज है। ये याद नहीं करना, ये डेटा हमको याद नहीं करना है, केवल रेफरेंस के लिए आपको बताया कि फैमिली कितना बड़ा ग्रुप होता है, कई सारे जीनस के मिलने पर ये बनता है, ठीक है ना। चलिए अब एक सेकेंड, Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ना, हम आपको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल थ्री, अब देखो जिसे एक तो हमने एग्जांपल लिया था एनिमल से बेटा, है ना, पैंथरा वाला एग्जांपल लिया था, के प्लांट्स अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनरा से सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा आर प्रेजेंट। जैसे देखो अब यहाँ पे क्या है, मैंने कहा तीन डिफरेंट जीनस, सोलेनम हुआ, पिटूनिया, धतूरा, ये सबके सब फैमिली सोलेनेसी के मेंबर होते हैं, फैमिली सोलेनेसी में उसको हम रखते हैं। अब जैसे हम आपसे बोलते हैं कि अमंग एनिमल्स, एनिमल्स की बात करें हम, तो जीनस पैंथेरा जिसमें कि टाइगर, लॉयन, ल्यूपर्ड आते हैं, उसको हम बिल्लियों के साथ रखेंगे तो फैमिली फेलिडी, तब बिल्लियों की और टाइगर की फैमिली एक होगी, पैंथेरा और फेलिस, फेलिस में बिल्लियां आती हैं, पैंथेरा में टाइगर, लॉयन और ल्यूपर्ड आते हैं, इन सबकी फैमिली क्या है, फेलिडी, सभी एक ही फैमिली के मेंबर थे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे कॉमन करेक्टरिस्टिक जो है वो कम होती चली जाएगी उसमें, ठीक है ना। फिर हम आगे बात करते हैं ऑर्डर, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर, के तो मैंने कहा अब इस सिमिलर प्रकार की फैमिलीज के मिलने पे क्या बनेगा, मैंने आपसे कहा कि फिर एक ऑर्डर बनेगा, ठीक है, सिमिलर प्रकार के ऑर्डर के मिलने पे क्या बनेगा, एक क्लास बनेगा, फिर एक सिमिलर प्रकार के क्लास के मिलने पे एक फाइलम बनेगा, और ऐसे कई फाइलम के मिलने पर एक किंगडम बनेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप करेक्टर को कॉमन करते चले जाओगे उसके बाद आपको एक बड़ी 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 कैटेगरी आपको मिल जाएगी वहां पे। जनरली ऑर्डर and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of character. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लक्षणों को सिमिलर मिलाते जाना है। अब आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या पहचानेंगे,
सबसे पहले बेटा तुम पहचानोगे सबसे बड़ी कैटेगरी। यदि आप एक टैक्सोनॉमिस्ट है तो सबसे पहले आप एक बड़ी कैटेगरी को पहचानेंगे, फिर आप स्पीशीज तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो मोर रिफाइंड है, मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उसकी। ठीक है, सबसे पहले आप बोलोगे ये आर्थ्रोपोडा है या नहीं है, फाइलम पहचानोगे पहले आप, कि आर्थ्रोपोडा है कि काइरोडर्मेटा है, क्या है। ठीक है, पहले आप सीधा स्पीसीज नहीं पहचानेंगे आप। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पहले बड़े ग्रुप को पहचानते हैं, फिर छोटे ग्रुप को, और छोटे ग्रुप को, फिर और छोटे ग्रुप को, ठीक है ना, है ना। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसको तो हम बात करते हैं कि स्पीसीज, स्पीसीज से मतलब जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से आपका ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड दी किंगडम। ठीक है, ऑर्डर बीइंग दी हायर कैटेगरी, इट इज दी असेंबलीज ऑफ फैमिली, समिलर प्रकार की फैमिलीज के मिलने पर एक ऑर्डर बनेगा उसमें, जिसमें कि कुछ, देखिए लिखा है विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, क्या लिखा है, ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, क्या सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, फैमिली में जो जनरा शामिल है उसकी तुलना में अब कैरेक्टर और कम हो गए कॉमन। मैंने कहा ना आपसे, जितनी कैटेगरी बड़ी होगी उतना सारा सारा बड़ा ग्रुप बनेगा, जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतने कैरेक्टर उसके अंदर कम कॉमन होते रहेंगे। ठीक है ना, जैसे प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्यूसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये बिल्कुल छिपी हिडन इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी की, जो एमसीक्यू बनकर आती है, और वहीं हमें लगता है कि कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं से नहीं पूछ सकते। तो याद रखो, नंबर एक, ऑर्डर पॉलीमोनियल, अब देखो ये नोट, क्वेश्चन नोट कर लेना, एमसीक्यू नोट कर, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कौन कौन सी फैमिली शामिल है, तो उसमें कॉन्वोल्यूसी और सोलेनेसी शामिल है। किसके आधार पर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स को बनाया गया है, तो इसको बनाने का आधार है फ्लोरल कैरेक्टर के, फ्लोवर के कैरेक्टर्स। ठीक है ना बेटा, याद रखो ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया इस पर। ठीक है ना, फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि एनिमल का ऑर्डर कॉर्निवोरा है, कॉर्निवोरा में क्या है, कॉर्निवोरा में आपका जो है फेलेडी और कैनेडी के, कैनेडी को पता है कैनेडी में क्या, कैनेडी में डॉग आते हैं उसके अंदर के, डॉग आते हैं, फेलेडी और कैनेडी को जो है वो शामिल किया गया फैमिली को ऑर्डर कॉर्निवोरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लास की। तो मैंने आपसे कहा कि सिमिलर प्रकार के ऑर्डर के मिलने पे क्या बनेगा, क्लास बनेगा, क्लास बनेगा आपके, जो कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स के। जैसे मैंने आपसे कहा ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा जो है, प्राइमेट्स पता है ना आपको, प्राइमेट्स वो होते हैं, अब देखो एक छोटा सा पॉइंट हम रिकॉल करते हैं, प्राइमेट्स वो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या होती है, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। नॉन प्राइमेट्स में, जो नॉन प्राइमेट मैमल है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उनमें ईस्टस साइकिल होती है। याद रखना, एक हमने कहां पढ़ा है इसको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ इस पॉइंट को। ठीक है ना, तो अभी हम बात करते हैं प्राइमेटा के अंदर क्या, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन को हम क्लास मैमलिया में रखते हैं, हम इसमें ऑर्डर प्राइमेटा में, और इसी में हम ऑर्डर कॉर्निवोरा करते हैं। अब देखिए क्लास क्या है, क्लास है मैमलिया, मैमलिया में कॉर्निवोरा भी शामिल है, मैमलिया में प्राइमेटा भी शामिल है, कॉर्निवोरा में क्या है, टाइगर, कैट और डॉग शामिल है, और मैमलिया में क्या है, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन शामिल है। तो ये सब क्या आगे एक क्लास में, मैंने कहा ना जैसे जैसे ऊपर जाओगे कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कम होती चली जाएगी बेटा, है ना। देन कम टू दी फाइलम एंड डिवीजन, मैंने कहा था आपसे डिवीजन वर्ड प्लांट किंगडम में यूज करेंगे, फाइलम वर्ड एनिमल किंगडम में यूज करेंगे आपके। तो सिमिलर प्रकार की क्लासेस के मिलने पर क्या बनेगा, एक फाइलम बनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, किसे मैंने आपसे कहा कि एवीज है, फाइलम है, ऑर्थोपोडा फाइलम है, मोलास्का फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, हेमिकॉर्टा फाइलम, कॉर्टा फाइलम, तो ये सब फाइलम है। तो ये यहाँ पर अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉर्डेटा की बात करें, तो कॉर्डेटा जो होते हैं वो एनिमल किंगडम, हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉर्डेटा में हम बात करें बेटा, तो उनमें कुछ फीचर ऐसे देखे, जैसे कि पोस्ट एनल टेल होगा उनमें, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे उसमें। अब ये पोस्ट एनल टेल क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होता है, डॉर्सल होलो नर्व कार्ड क्या होती है, के नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस क्या होता है, ये सब पे हम बात करेंगे डिटेल में। अभी इतना समझ लो आप कि कॉर्डेटा के पास में कुछ यूनिक फीचर होंगे जो कॉर्डेटा के अंदर ही देखने मिलेंगे, फाइलम कॉर्डेटा में, दूसरे फाइलम में नहीं होंगे वो। जैसे कि नोटोकॉर्ड जो बाद में जाके वर्टिकल कॉलम बन जाती है, ठीक है ना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी जो गिल्स में कन्वर्ट होती है, लंग जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। फिर इसके बाद क्या बात करते हैं, हम देखते हैं डॉर्सल होलो नर्व पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट एनल टेल, याद रखिए पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद जो टेल होती है वो कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको फाइलम कॉर्डेटा में देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि फाइलम इज ए बिग लार्ज कैटेगरी, एक किंगडम में कई फाइलम होते हैं, मतलब फाइलम के मिलने पे किंगडम बनता है फाइनली, ठीक है। तो जैसे फिश, सारी मछलियां एक फाइलम की मेंबर है, सारे एम्फीबिया एक फाइलम के मेंबर है, के सारे रेप्टाइल्स एक फाइलम रेप्टिलिया के मेंबर है, ठीक है। तो वैसे हम कहते हैं आपसे कि प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट में भी हम सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर बड़ी कैटेगरी बनाते हैं, हम फाइलम कहते हैं, फाइलम की बजाय इसके बजाय हम डिविजन वर्ड यूज करते हैं। प्लांट में हम जैसे ब्रायोफाइटा है, हमने कहा डिविजन की बात करेंगे हम, टेरिडोफाइटा डिविजन की बात करेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर।
अब बात करते हैं किंगडम। किंगडम जो है पांच ही होते हैं, किंगडम केवल पांच होते हैं बेटा। क्या हमें मालूम है कि किंगडम मोनेरा है, प्लांटी है, प्रोटिस्टा है। किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया, फंजाई हो गया और एनिमेलिया हो गया। ठीक है, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी। सबसे बड़ी कैटेगरी जो है वो है किंगडम है, और देर आर ओनली फाइव किंगडम के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। सारे के सारे एनिमल एनिमेलिया में आएंगे, सारे के सारे प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंदर आएंगे, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जो है वो किसमें आएंगे, मोनेरा में आएंगे, यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक जो है प्रोटिस्टा में आएंगे, और सारे के सारे मल्टीसेल जो है वो हेटरोट्रॉफ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो कहां आएंगे, वो फंजाई में आएंगे वो। ठीक है, देखिए है ना, हमने कहा कि देयर आर फाइव किंगडम। आर एच विटेकर ने 1969 में जो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा। ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसको बना लीजिएगा प्लीज, के इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा एक बार, है ना, ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुका बेटा ये। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की ओर ऊपर जाने लगते हैं बेटा, वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। याद है ना, मैंने कहा था सबसे कॉमन सिमिलरिटी स्पीसीज में, उससे अधिक जीनस में, ठीक है, उससे कम, उससे कम जीनस में, उससे कम जो है वो फैमिली में। कहने का मतलब ये, जैसे जैसे कैटेगरी में ऊपर की ओर जाओगे, वैसे वैसे जो है कॉमन करेक्टरिस्टिक जो है वो कम होने लगेंगी अमंग दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखना इस बात को बेटा। ठीक है, लोअर द टैक्सा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट अ मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। जितना अब टैक्सा मतलब मैंने कहा ना कैटेगरी, यानी टैक्सॉन किंगडम इज ए टैक्सॉन, फाइलम इज ए टैक्सॉन, क्लास इज ए टैक्सॉन, ऑर्डर इज ए टैक्सॉन, फैमिली इज ए टैक्सॉन, जीनस इज ए टैक्सॉन एंड स्पीशीज इज ए टैक्सॉन। के टैक्सॉन जितने लोअर कैटेगरी का होगा उतना अधिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपको उसमें देखने मिलेगा। लोअर द टैक्सा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। ठीक है, क्लियर। चलिए, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। अब मैंने कहा जितना बड़ा कैटेगरी होगा, अब मैं बोलूं आपसे कि किंगडम एनिमलिया, अब किंगडम एनिमल तो सारे एनिमल शामिल है, उनमें कितना सिमिलरिटी मिलाएंगे भाई आप? ठीक है, कई सारे ऐसे एनिमल है जिनमें कोई सिमिलरिटी नहीं मिलेगी आपको, उसमें मुश्किल काम है वो। लेकिन मैं बोलता हूँ जीनस, मैंने बोला पैंथेरा जीनस, तो आप बोलोगे हाँ सर ये सब कार्निवोर एक जैसे बड़ी बिल्ली, बिग कैट है, सारे बिग कैट इसमें शामिल है। ठीक है, तो मतलब ये कि जितना आप जो है वो रिलेशनशिप को, आपको कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जितना क्लोज रिलेशनशिप को समझना है, तो आपको लोअर कैटेगरी पे जाके समझना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने मिलेंगे। ठीक है, क्या लिखा है इसमें देखिए, स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जाम में पूछे आते, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बेटा। हायर द कैटेगरी, जितना ऊंचा वर्ग होगा, कैटेगरी होगा, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, उतना अधिक आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा दो जीवों के रिलेशनशिप को मिलाने के लिए, दो जीवों के कॉमन करेक्टरिस्टिक को मिलाने के लिए सेम लेवल पे। ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब मोर आपको, मोर इजीली आप दो जीवों के कैरेक्टर को मिला पाएंगे जितना लोअर कैटेगरी होगा वहां पर, जिससे स्पीसीज में अधिक सिमिलरिटी होगी, जीनस में उससे कम होगी, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे सिमिलरिटी उतने अधिक डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है ना, हैज द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए बड़े ग्रुप में जब आप जीवों को कंपेयर करते हैं, तो आपको अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आप ऑर्गेनिज्म विद दैट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब ये जो टेबल दे रखा है एनसीईआरटी का, टेबल 1.1, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और ये आपको बता याद है। इसमें आपको बता दूं मैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर पर, ठीक है, फैमिली पर, तो ये सब आपको याद रखना है। ये वाला टेबल आपको, इसको प्रिंट आउट निकाल के स्क्रीन शॉट लेके लगा के लिए समझ, नोट कर लीजिएगा इसको, याद रखना आपको। ठीक है ना, से कॉमन, हम मनुष्यों का कॉमन नेम क्या है बेटा? मैन। ठीक है, हम बोलते हैं इसको मैन, वुमेन दोनों शामिल होते हैं इसमें, बोलो केवल मैन बोल रहे हैं सारे ना। ठीक है, तो ह्यूमंस की बात करें, हम बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, तो हमारा जीनस क्या है? होमो है। हमारी स्पीसीज क्या है? वो सेपियंस है। ठीक है, फैमिली क्या है? हमारी फैमिली है होमिनिडी। हमारा ऑर्डर क्या है? हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। हमारा क्लास है मेमेलिया, और हमारा फाइलम है कॉर्डेटा। ठीक है, हाउस फ्लाई मक्खी की बात करें हम, तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है बेटा? मस्का डोमेस्टिका। जीनस है मस्का इसका, डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज है, फैमिली इसकी मस्की जो है मस्किडी है, और ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा है। क्लास क्या है? इंसेक्टा है, और फाइलम क्या है इसका? ऑर्थोपोडा है। ठीक है, मैंगो की बात करें तो मैंगो प्लांट, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफ्रा इंडिका, जीनस है इसका मैंजीफ्रा, स्पीसीज इसकी है इंडिका, तो फैमिली इसकी एनाकार्डियसी है। ये वही फैमिली जो काजू की फैमिली होती है, एनाकार्डियसी है, केजू फैमिली के भी कहते हैं इसको अब। ऑर्डर इसका सेपिंडल से, ऑर्डर सेपिंडल से, क्लास डाइकॉट है ये, और फाइलम क्या है इसका बेटा? फाइलम है। डिवीजन क्या है इसका? डिवीजन इसका एंजियोस्पर्म है। ठीक है, गेहूं वीट की बात करें तो वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टेबम है बेटा ये, और ट्रिटिकम जीनस है, एस्टेबम इसकी स्पीसीज है,
और फैमिली पोएसी है। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर इसका पोएल्स है। ऑर्डर वीट का ऑर्डर याद रखिएगा, पोएल्स इंपॉर्टेंट है। और ये मोनोकॉट है। मैंगो क्या था? डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है। मोनोकॉट डाइकॉट क्या क्लास होते हैं? और फाइल इसका भी डिविजन क्या है? इसका डिविजन भी बेटा एंजियोस्पर्मी है। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो अभी हमने क्या देखा? हमने अभी देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिफिकेशन में बड़ी डाइवर्सिटी, यानी आप इस धरती पर अर्थ पर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल की बात करेंगे तो आपको बिग डाइवर्सिटी देखने मिलेगी आपको। और इसी को हमने अलग अलग कैटेगरी में देखा। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस में आपस में क्या कनेक्शन इसमें होता है, इसको हमने देखा हमने, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। छोटा सा लेक्चर था आज का मेरा कंपैरेटिवली, लेकिन जो है मैं आपसे यही वही बोलूंगा बेटा कि कई बार क्या होता है, कई बार हम जो है वो एक सेकंड मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, वक्त कठिन होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को ढालना होता है, हमें जो है वो अपने आप को जो है वो संभालना होता है हमको। तो मानता हूं मैं कि लेक्चर की क्वालिटी आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, आप इससे मच बेटर क्वालिटी पे लेक्चर डिजर्व करते हैं, लेकिन ये है कि आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। मतलब चीजें रुकना नहीं चाहिए बेटा, है ना, क्योंकि हमारा एग्जाम तो टाइम पे होगा ना, इसलिए मेहनत कीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने इतना सीखा, थोड़ा आगे बढ़े ना, हम जहाँ रुके थे वहां से थोड़ा आगे बढ़े हम, एंड दो चार दिन में ठीक हो जाऊंगा, और आगे बढ़ जाएंगे, तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, है ना बेटा। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। To become an official commando of BioMentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download BioMentors online app from Google Play Store.